हाँ जी भैया, किसके नाम से? प्रीति के नाम से। गेट खोल रहा हूँ यार, ऊपर ला दोगे? खोल रहा हूँ, गेट खोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज। यार सुबह सुबह नींद खोल दी इतनी ठंड में, ऊपर से तुम मतलब मस्त रजाई में सो रहे हो, बढ़िया गर्म हो रहा है, और फिर सुबह सुबह कोई नींद खोल दे ना, आके बेल बजा दे, भैया आ जाओ ले लो। खैर, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इट्स माय डे 2। तो आज क्या है, कैसे है, तुमको एक एक करके पता चलेगा। अभी मैं बता नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि प्लान्स जो हैं कैंसिल हो जाते हैं लास्ट वीडियो में, तुम्हें देखा ही होगा, तो इसलिए कोई प्लान्स नहीं है। आज जो भी होता है वो तुम्हें पता चलता जाएगा, ठीक है? चलो भाई, सुबह सुबह नींद तो खुली, सुबह सुबह मेरे को ना बाहर भी आना पड़ गया है ना, ऊपर से इतनी ठंड है। मैं आ गया सामान लेने और यहाँ आके पता चला कि शॉप बंद है, ठीक है? उसमें पता नहीं कब खुलेगा। अब सबसे थोड़ी दिक्कत ये है कि मैं इतनी ठंड में बाहर तो आ गया और मैं शूज़ पहनना भूल गया। अब भाई पैर में लग रही है ठंड, वो भी गंदी वाली, क्योंकि यहाँ पर शॉप भी बंद है। मतलब इतनी दूर आओ, शॉप भी बंद हो, ठंड भी लग रही हो। भाई साहब, भाई अब सीन हुआ है ये कि मैं मार्केट गया था, साथ में इधर वहाँ नहीं मिला तो शॉप्स बंद थे, तो मैं गांव वाले शॉप भी गया था, वो भी बंद था, उधर सारे मार्केट बंद थे, तो कुछ मिला नहीं है। तो अब अपन आ गए हैं खाली हाथ, लेकिन ठंड बहुत थी, तो अब ठंड को दूर भगाने का एक ही तरीका है भाई, अपन पियेंगे चाय। चाय ही जो है तुम्हें ज़िंदगी दे सकती है, ठीक है, ठंड में तो खासकर। तो सबसे पहले चलते हैं और बढ़िया एक कप चाय पीते हैं, फिर मज़ा आएगा। Nope. बढ़िया, कतई जहर चीज़ है एकदम ये। और क्या हाल है? बढ़िया सब, बढ़िया हो रहा है। सबसे बढ़िया तुम ही लोग का तो रहता है, मेरा तो ऐसे ही चल रहा है, बेकार सा है ना। पूछ रहे हैं तुम फोन पे किया? कॉल कर रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है, हो सकता है फोन पे किया। क्यों, क्या हुआ था? कुछ हुआ था? दारू पी के रखा था, मेरे को कॉल किया था उसी दिन रात को। अच्छा, पता नहीं, मेरे को पता नहीं है, मेरे या हो सकता मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, कभी कॉल किया होगा, या हो सकता है मैं कहीं बिजी होऊंगा। चिंता मत करो, आज गिव अवे हो जाएगा मेरा, बढ़िया। मैं उसको शेयर वगैरह करता हूँ थोड़ा सा, तुम भी थोड़ा शेयर कर दो यार। अच्छा, अपने इंस्टा पे? हाँ, और क्या, अपने इंस्टा पे शेयर कर दो, अपने ऑफिस वालों को बोल दो भाई जिसको पार्टिसिपेट करना गिव अवे में पार्टिसिपेट कर ले, ठीक है? ठीक है ना? तुम्हारा फॉलोअर बढ़ाएंगे तो क्या दोगे यार तुमको, उसमें क्या चाहिए? फॉलोअर मतलब हद, मतलब यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे ना तो पार्टी दूंगा मैं, ठीक है? वाह वाह, हमको क्या मिलेगा पार्टी से? हाँ तो यार ये कोई बात थोड़ी ना, पार्टी मतलब पार्टी तो सबको मिलता है ना यार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। भाई ये कूड़े वाला बढ़िया बढ़िया गाना चलाते एकदम से। तो अभी जो वीडियो में आई थी मोहतरमा, वो है हमारी राजमाता शिवगामी देवी गाली मत दे यार, गाली दे रहे हो यार, तमीज नहीं तुम लोग को यार तुम लोग सारा अपना शिष्टाचार भूल गए हो तुम लोग यार। शिष्टाचार, आचरण, संस्कृति, परंपरा, प्रतिष्ठा, सम्मान, सब भूल गए हो तुम लोग, तमीज नहीं। मतलब एंग्लो इंडियन वुमेन बन गई है ये मैं तो निठल्ला निकम्मा हूँ यार, सही बता रहा हूँ। अभी इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि क्योंकि मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग मैं अपलोड करने जा रहा था, ठीक है? मतलब मैंने सोचा कि अब अपलोड करते हैं उसको, और प्लान ये था कि मैं सुबह 8 बजे अपलोड कर दूंगा अपना ब्लॉग, ठीक है? हुआ ये कि रात भर मैं जग के मैंने वीडियो एडिट करा, 2-2.5 घंटे लगे गए। अब एडिटिंग का सीन ये था, मैंने काइन मास्टर से एडिट करा और उसके बाद से वो वीडियो एक्सपोर्ट नहीं होता, रात भर एडिट करके रखा, सोचा सुबह में एक्सपोर्ट करेंगे और अपलोड करेंगे सीधे सुबह 8 बजे के आसपास, ठीक है? वो वीडियो एक्सपोर्ट होने का नाम नहीं ले रहा है, अब मैं परेशान। मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, यूट्यूब पे देखा कुछ लोग ये कर लो, वो कर लो, फला कर लो, ढिपका कर लो, फलाना ढिमकाना करता रह गया, कुछ नहीं हुआ। फाइनली एक बंदे ने मेरे को, मतलब ऐसे एक बंदे का वीडियो देखा, उसने बताया कि जो ऐप है ना नया वाला उसका वर्जन ही बेकार है, उस नए वाले वर्जन में वीडियो जो है कि एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। तो फाइनली उसने पुराने वर्जन का मेरे को लिंक दिया एंड थैंक गॉड कि मेरा जो फाइल था सेव्ड था जो उसमें ड्राफ्ट में वो उसमें था और पुराने वर्जन में भी था, तो मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस ये है ना कि यार लोग यूट्यूब पे ना व्यूज़ के लिए कुछ भी चूतियाँ बनाते रहते हैं। मतलब मैंने इतने सारे वीडियो देखे, सब बोले ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं हुआ। यार 12 बज गए और हुआ ये कि मैंने अभी तक सुबह से कुछ खाया नहीं है, वीडियो अपलोड करने के चक्कर में लगा रह गया। फाइनली वीडियो अपलोड तो हुआ है और मैंने लिंक वगैरह शेयर नहीं करा कभी कहीं भी, अभी करूँगा। और हुआ ये कि मेरा जो दोस्त है आज वो काम करने नहीं आया, तो थोड़ा बहुत उसका भी काम है जिसमें मेरे को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी और वो काम तो है ही। साथ में अब मेरे को लग गई है भूख, तो मैं सोच रहा हूँ पहले ऑमलेट बनाते हैं, खाते हैं, ठीक है, और फिर बाकी फिर दोबारा बैठ के काम भी करना है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, नहाना वहाना भी होगा यार, तो ये विंटर्स में कुछ भी है नहाना तो पड़ता ही है, लाइक कितने दिन तक बिना नहाए रह सकता, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी अपन पहले ऑमलेट बनाते हैं फिर कुछ करते हैं। भाई अगर घर से दूर रहते हो तो थोड़ी बहुत कुकिंग आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए। मैंने भी थोड़ी बहुत सीखी है, घर पे था तो बिल्कुल नहीं करता था, बट जब से दीदी जीजू के साथ रहता हूँ नोएडा में आके तब से थोड़ी बहुत सीख ली है मैंने। कुकिंग आना चाहिए तुमको, है ना, ये एक सर्वाइविंग स्किल है, सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जो घर से बाहर रहता है यार, दूसरों के भरोसे अब रहना छोड़ दो, खुद से थोड़ा बहुत सीखो कुकिंग करना। तो अपना 12 बजे का ब्रेकफास्ट हो गया है, मेरा ब्रेकफास्ट आजकल 12 बजे ही हो रहा है क्योंकि YouTube के चक्कर में आजकल थोड़ा सा लग गया हूँ। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ता है ऑब्वियसली, बट हाँ नेक्स्ट टाइम थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा मेरे को, कि थोड़ा सा टाइम मैनेज हो, चीज़ें जो टाइम पर होनी चाहिए वो टाइम पर होनी, मतलब ज़रूरी है उसको टाइम पे कंप्लीट करना, लाइक ब्रेकफास्ट वगैरह करना, तो ठीक है। सीन क्या है कि दोस्त आए नहीं जैकेसन, तो अभी अपने को दोनों सिस्टम खोल के बैठना पड़ रहा है, दोनों सिस्टम पर काम कर रहा हूँ, तो बस उसी में लगा पड़ा हूँ। देखते हैं आज का दिन, लग रहा है पूरा ऑफिस के काम में ही निकल जाएगा। ओके गाइज, सो बेस्ट थिंग अबाउट टुडे इज़ कि यहाँ पे JCB आया हुआ है और JCB खुदाई बहुत फेमस है। तो मैं काम कर रहा था, मैं थक गया, तब तक बाहर आवाज़ आई, तो मैंने कहा यार ये क्या है, फिर मैंने देखा JCB, मैंने कहा वाह एंटरटेनिंग। फिर मैं थोड़ा काम छोड़कर JCB खुदाई देख रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तुम लोग को भी दिखाता हूँ, तुम लोग भी मज़े लो, JCB खुदाई देखो। सो JCB की खुदाई चल रही है, शायद यहाँ पर रोड बन रहा है यार, ये जो फुटपाथ बना रहे हैं यहाँ पर, तो बढ़िया JCB खुदाई हो रही है। और मस्त JCB खुदाई देख रहे थे तो काफ़ी देर तक, सोचा तुम लोग को भी दिखाएं, ऐसे इंटरटेनिंग रहता है, मज़ा आता है JCB खुदाई में। अब यहाँ क्या है ना, नीचे जा नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, गाँव में होता है तो अपन नीचे भी जाते हैं, मस्त देख के आते हैं, यहाँ पे नीचे जाने का सिस्टम है नहीं। तो बढ़िया JCB खुदाई हो रही है, मज़ा आ रहा है, JCB खुदाई में हमेशा ही मज़ा आता है। अब ऑब्वियसली JCB की खुदाई चल रही है और मेरी बाइक एक्चुअल में नीचे लगी हुई थी, तो मैंने सोचा बाइक हटा देते हैं ताकि ये खुदाई अच्छे से कर पाए और हम खुदाई को अच्छे से देख पाए थोड़ा सा, ठीक है। तो ज़रा बाइक को हटाते अपने और फिर अच्छे से खुदाई देखते हैं थोड़ी देर, फिर बैठ के काम करेंगे। यार ये ट्रेंड काफ़ी पहले चला था, बट सच बताऊं तो ये ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। मीम्स ख़त्म हो सकते हैं लेकिन JCB खुदाई का ट्रेंड और JCB खुदाई का इंटरटेनमेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलो यार थोड़ी देर मैं इन्जॉय करता हूँ, तुम लोग बाद में अब कहीं और देख लेना, अपने अपने घर के साइड में बुलवा लो और देखो। तो यार 4:30 से ज़्यादा हो गया है और हाँ 4:35 हो रहा है। एंड द थिंग इज़ कि अगर तुम लेट से ब्रेकफास्ट करो ना तो फिर सीन ही हो जाता है कि फिर सब कुछ ही लेट हो जाता है। अब मेरा लंच भी लेट हुआ है, होगा क्योंकि अभी मैंने करा नहीं है, अब लंच करूँगा, ठीक है। तो मतलब लंच भी लेट होगा और लंच लेट होगा तो फिर डिनर भी लेट ही होगा यार, ये एक बड़ा पंगा है। तो मैं कल से, मतलब मैं सोच रहा हूँ ना कल से अब अपन बढ़िया से टाइम मैनेज करेंगे और अच्छे से पहले प्लान कर लेंगे। और कल सोच रहा हूँ कि ये जो बड़ा हो गया ना इसको थोड़ा सा सही करा लें, क्योंकि 8 को मुझे यहाँ से निकलना है गया, ठीक है। तुम इसको बेच दो इसको और हम एक नॉर्मल साइकिल खरीद लेते हैं। हम थोड़ी ना खरीदवाते बाबू, 10,000 रुपए तो तुरंत लिए तुरंत बेचो, कितना पैसा मिलेगा उसमें बताओ यार। तो तुम इस पर कपड़ा रख रही हो यार, खरीदवाए भी नहीं थे हम, अपने मन से जबरदस्ती उठा के आ गया था, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे उसमें रखती हो कपड़ा, हाँ कोई यूज होता नहीं है। मैंने माना, मेरी मैंने नहीं बोला था खरीद के लाने को, अपने मन से गए खरीद के लेके आ गए 10,000 रुपए का। यार इससे बढ़िया ना तुम इसको बेच दो, हम लोग लेते हैं बढ़िया वाला साइकिल नॉर्मल। मैंने बोला था उस टाइम पे ना कि साइकिल लेके आते हैं, जाओ कहीं घूमो चलाओ, बढ़िया मजा आएगा, लेके आ गए। ठीक है फिर अब क्या है, अपना काम वाम खत्म हो गया है, लाइक ऑफिस का काम तो थोड़ा उसको मैंने खत्म कर दिया है। और आज का अध्याय जो है हमारा, इस अध्याय को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। और ये जो जर्नी स्टार्ट की है मैंने, इसमें कल से फिर स्टार्ट करते हैं बढ़िया, और फिर कल मिलते हैं तुम लोगों से, ठीक है। तब तक अगर ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो यार दबा के लाइक करो, ठीक है, इस पे कमेंट करो कुछ अच्छा सा, ताकि भाई को अच्छा लगे, है ना, बढ़िया लगे तभी तो और अच्छे ब्लॉग्स आएंगे यार। तुम लोग रहोगे सपोर्ट करोगे तभी बढ़िया लगता है। तो जाओ यार सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के हमेशा रखता हूँ, ठीक है। चलो यार बाय बाय, गुड नाइट।